नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का यह वीडियो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत नौकरी की तलाश कर रहे प्रत्येक युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, हाल ही में BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल की तरफ से वर्ष 2024 की न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया जा चुका है, जिसमें आप सभी के लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के विभिन्न पद देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास ही मांगी गई है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ऑल इंडिया की भर्ती देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल बोथ उम्मीदवार इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी इस वैकेंसी हेतु इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम अब आप सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की तरफ से जारी की गई इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो अब आप सभी के लिए सबसे पहले बता दें कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी कि कांस्टेबल GD के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 275 पदों पर रिलीज किया गया है, जो कि दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी जिले से निवास करते हो, प्रत्येक मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियां ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 1 दिसंबर 2024 से कर दिया जाएगा और आप सभी 30 दिसंबर 2024 तक इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं को पास कर रखा है, तो आप सभी इस भर्ती के अंतर्गत सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ ही आप सभी के पास खेल से संबंधित किसी भी मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों इस भर्ती के तहत आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आप सभी के लिए 23 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें आप सभी की उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। हालांकि दोस्तों इस आयु सीमा में आप सभी के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि दोस्तों यदि आप सभी OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 3 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं यदि आप सभी SC ST वर्ग से आते हैं तो आप सभी के लिए 5 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों यदि हम सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया की बात करें, तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप सभी का सिलेक्शन केवल फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आप सभी यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप सभी के लिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके पश्चात आप सभी के लिए PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, उसके पश्चात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जाम के आधार पर आप सभी के लिए BSF की इस भर्ती में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों यदि हम सैलरी यानी कि वेतन विवरण की बात करें, तो आपके लिए वेतन भी काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। दोस्तों इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए लेवल 3 के अनुसार वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए पर मंथ 21,700 से लेकर 69,000 तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ीस आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप सभी जनरल और OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आप सभी 147 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों यदि आप सभी एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं या फिर फीमेल हैं तो आप सभी के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस भर्ती हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों तो यदि हम इसके पश्चात अंतिम चरण में अप्लाई प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी के लिए बता दें इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 1 दिसंबर 2024 से होने जा रहा है। क्योंकि अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सभी को www.bsf.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। दोस्तों यहां पर आने के पश्चात आप सभी के सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा, वहां पर आप सभी के लिए इस भर्ती की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप सभी उस लिंक पर क्लिक कर दें। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप सभी के सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जहां पर आप सभी के लिए सभी जानकारियों को भरना है। उसके पश्चात आप सभी के लिए फोटो सिग्नेचर सहित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। फिर आप सभी के लिए कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना है और अंतिम चरण में आपको फॉर्म सबमिट कर देना है और फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो इस प्रकार से BSF की इस न्यू भर्ती के अंतर्गत आप सभी का आवेदन सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी सबसे पहले ही प्राप्त हो सके।